Now next example, in that case again some operation here, data type is unsigned, unsigned int, unsigned char. What is mean by unsigned? Unsigned के केस में कभी भी कोई साइन बिट क्रिएट नहीं होगा, सारे के सारे बिट्स कैसे होंगे, ऑल बिट्स आर कंसीडर्ड एज डेटा बिट्स. क्लियर? टेस्ट दिस एग्जांपल. फर्स्ट वन, वेरिएबल ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और मेमोरी एलोकेशन फॉर ए. ए की बात करें हियर, ए इज अ इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, देयरफॉर हाउ मेनी बाइट्स आर गोइंग टू बी एलोकेटेड, देयर आर 2 बाइट्स और वी कैन से 16 बिट्स. 16 बिट साइज ऑफ ए. लेकिन इसमें कंटेंट्स डेसिमल नंबर सिस्टम में आसान करेगा. असाइनमेंट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल. फर्स्ट बिट इज एफ, एफ मींस 4 टाइम्स 1 मींस 15, अगेन 4 टाइम्स 1, डायरेक्टली बाइनरी कन्वर्जन पॉसिबल है, 4 टाइम्स 1, अगेन 4 टाइम्स 1, दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ ए. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, वेरिएबल इज बी, बट बी इज अ कैरेक्टर वेरिएबल, बी का टाइप अनसाइंड कैरेक्टर, इसलिए बी के लिए कितनी बाइट्स एलोकेट करेंगे, ओनली 1 बाइट्स. अगेन बी के अंदर भी डेटा किस फॉर्म में साइन हुआ, इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू, वैल्यू ऑफ 80. 8 का बाइनरी, 0 का बाइनरी, 04 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट करें तो 0 का बाइनरी भी क्या आएगा हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग, ऑल टाइम 0. 8 के केस में बाइनरी क्या, 100. This is the equivalent binary conversion. Next one, ones complement of A. This case में perform क्या हो, ones complement of A. A is already equivalent to minus 1. A किसके equivalent, equivalent to minus 1. What is the ones complement of minus 1? Minus 1 plus 1 multiply by minus 1. Result is 0 multiply, means result क्या है इस केस में, 0. लेकिन इसके साथ रिजल्ट सॉल्व हो रहा है, लेकिन रिजल्ट को किसी वेरिएबल में असाइन किया क्या, नहीं. इसे रिजल्ट क्या आएगा, 0, लेकिन 0 किसी प्लेस पर असाइन नहीं किया. अगर आप किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, 0. लेकिन इस केस में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, किसी भी वेरिएबल्स के लिए बिटवाइज ऑपरेशंस तब तक अफेक्ट नहीं होंगे जब तक आप वेरिएबल्स में असाइनमेंट नहीं करोगे या रिजल्ट्स को असाइन नहीं करोगे. इस केस में कॉम्प्लीमेंट तो अप्लाई हुआ था, लेकिन रिजल्ट क्या मिला आपको, 0. रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं किया, अभी भी ए में क्या स्टोर है, सेम डेटा, देयर इज नो चेंज. नेक्स्ट वन, देयर फोर जब परसेंट एक्स और परसेंट डी के थ्रू ए का वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, तो फर्स्ट केस परसेंट एक्स, परसेंट एक्स केस में इसका डेसिमल क्या आएगा, अगेन 4 टाइम एफ. परसेंट डी के केस में क्या आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू क्या है इसका, इक्वेलेंट माइनस 1. नेक्स्ट वन, आई लेफ्ट शिफ्ट वाई 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई विच इज लेफ्ट शिफ्ट वाई 1. 1 से लेफ्ट शिफ्ट करो तो रिमूव कितने बिट्स करेंगे, रिमूव 1 बिट फ्रॉम लेफ्ट पोजीशन, सेम एज इंसर्ट 1 बिट. और इंसर्ट किस प्लेस पर कराओ, राइट हैंड पोजीशन. इंसर्टेड बिट का वैल्यू क्या यूज करेंगे, 0. रिमूव 1 बिट फ्रॉम लेफ्ट, रिमूव दैट, इंसर्ट 1 बिट ऑन द राइट, इंसर्टेड वैल्यू इज 0. नाउ नंबर और रिजल्ट बिकम्स 0. रियल में अगर बी के केस मांगते हैं, हियर या मिस्टेक सम हियर, इस बी के केस में इनिशियल वैल्यू क्या था, 100 लाइक दैट. लेकिन इस केस में जब शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो तो ऑपरेशन सेपरेट प्लेस पर परफॉर्म हो, बी के केस में कोई भी चेंज नहीं हो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ऑफ दैट केस 100000000, रिमूव 1 बिट, इंसर्ट 1 बिट, इंसर्ट भी क्या है ऑल्सो 0, डेसिमल क्या है इसका 0, इसलिए इसका रिजल्ट क्या फाइनली 0. लेकिन बी की बात करें तो बी के केस में अभी फाउंड क्या हो रहा है, सेम कंटेंट, देयर इज नो चेंज. लेकिन डिस्प्ले क्या करा है इस केस में, वैल्यू ऑफ बी, सॉरी हियर वेरिएबल बी, डिस्प्ले क्या हो रहा है इस केस में, वैल्यू ऑफ बी और वैल्यू ऑफ रिजल्ट, वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का वैल्यू क्या है, 0, इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ, 0. दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम.